अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जश्न आज़ादी मुबारक। मैं आपकी होस्ट और दोस्त सन्नत अली आपको वेलकम करती हूँ आफ्टर लॉन्ग टाइम इन द हैपनिंग एपिसोड ऑफ इंडिपेंडेंस डे। जैसा कि आप मेरे ड्रेस और एम्बियंस से देख सकते हैं कि कितनी एक्साइटमेंट है, आप सब भी बहुत एक्साइटेड होंगे आई होप सो। लेकिन इसके साथ साथ हमने बहुत सारे आज सवालात खुद से पूछने हैं। हमने देखना है कि सेलिब्रेशन तो है, लेकिन इसके साथ साथ उनको एक्नॉलेज भी करना है जिनकी स्ट्रगल है, और इट्स अ टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन एज वेल कि हमने देखना है कि हमने क्या खोया है और क्या पाया है इन 75 सालों में। और इसके अलावा हमने ये भी देखना है कि हमेशा जब भी बर्थडे आने लगती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुल्क बहुत नाजुक हालात में है। तो ये नाजुक हालात सुनते सुनते तो 75 ईयर्स गुजर गए हैं, तो ये कब ख़त्म होंगे नाजुक हालात? हम खुशी से बनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन हम बहुत सारे कमिटमेंट और अहद भी करेंगे। तो इसके साथ साथ हमने अपने बहुत ही एक्साइटिंग गेस्ट जो आज की हैं उनको इनवाइट किया है, तो उनका तारुफ मैं आपको करवाती चलूँ। तो फ्रेंड, हमारी जो आज की गेस्ट हैं ना कि सिर्फ एजुकेशनिस्ट हैं बल्कि टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुकी हैं एज अ लेक्चरर। शी इज़ ऑल्सो MPA और पंजाब असेंबली की मेम्बर भी हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि वो पॉलिटिशियंस के साथ एक डिफरेंट जो इमेज अटैच है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही हैं एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तो आइए लेट नहीं करते, इनवाइट करते हैं हमारे आज के स्पेशल शो की गेस्ट को, मिस बुशरा अंजुम भट्ट। अस्सलाम वालेकुम, जश्न आज़ादी मुबारक, हैव अ सीट। बुशरा जी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और कितनी आज खुशी का दिन है, 75th बर्थडे। हाँ जी बिल्कुल, डेफिनेटली मैं तो कहती हूँ कि 75 ईयर्स सिंस पाकिस्तान वाज क्रिएटेड, तो मुझे तो लगता है कि ये आज़ादी जो है हमें बड़ी भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट करनी चाहिए। और इसके साथ हमने खुद को एक अपना इंट्रोस्पेक्शन और रिफ्लेक्शन भी करना है कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया एज एन इंडिविजुअल, एज एन ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट पर्सन। और इसीलिए आप स्पेशली आपका थैंक यू कि आपने इतनी मसरूफियात से टाइम निकाला। आई नो यू विल बी बिजी इन सो मच योर इंडिपेंडेंस डे इवेंट्स। नहीं नहीं बिल्कुल, डेफिनेटली इंडिपेंडेंस से डे है, यूथ डे उससे पहले था, उससे पहले माइनॉरिटीज़ डे था, लेकिन वही बात है ना कि एज अ पब्लिक पर्सनैलिटी आपको सबको टाइम देना है, बिकॉज दैट्स द पार्ट ऑफ द जॉब। तो सबके लिए टाइम भी निकालना पड़ता है, और मेरे ख्याल से आपने बड़ी प्यारी बात की। और मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि हमेशा पीपल लुक अप टू यू एज अ लेजिस्लेटर कि इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन क्या है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि हर चीज़ का सोल्यूशन लेजिस्लेशन नहीं है। जब तक आप अपने अंदर एज अ पर्सन, एज अ सिटीजन ऑफ दिस नेशन नहीं सोचोगे एंड यू विल नॉट एक्ट एज अ नेशन, वो प्रॉब्लम्स के हल नहीं नज़र आएंगे। और मुझे सबसे पहले हमारी कौम थी और उसको मुल्क चाहिए था, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारे पास मुल्क है लेकिन हमें एक नेशन के तौर पर सामने आना है। तो आई थिंक देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। जब मैं एक एज एन एजुकेटेड पर्सन सोचती हूँ इस चीज़ को, तो मुझे लगता है कि अब हमें मतलब एक नेशन चाहिए। पहले एक नेशन थी और मुल्क था। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बात बिल्कुल 100% जो कहते हैं ना ऑन द स्पॉट की, और वही बात है कि जनत हम एज ए नेशन हमारे अंदर जो लैक कर रहे हैं ना वो टॉलरेंस है। टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स व्यूज़, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो जेंडर बेस्ड हो, हर चीज़ के अंदर जो है ना हमारा जो मुल्क है ना उसमें जो लैक कर रहा है वो टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस है। और इसी के बारे में मज़ीद बात करेंगे लेकिन हमारे फर्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। तो जो मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी सेगमेंट है, आपकी स्टोरी में से ही हम सुनना चाहेंगे लाइफ का जो जर्नी है, उधर से कुछ बातें मैं आपसे पूछूंगी और आप अपनी ज़ुबानी बताएंगे। तो आर यू रेडी? यस। ओके, तो मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आज इंडिपेंडेंस डे है, फ्रीडम हमें मिली थी, तो आपके लिए फ्रीडम क्या है, लाइफ में फ्रीडम क्या है आपके लिए? हाय, आई थिंक द फैक्ट दैट वो कहते हैं ना, बीइंग अ वुमन इन दिस सोसाइटी, इफ आई एम इन वर्किंग इन सच एन एम्पावर्ड पोजीशन, आई थिंक दैट्स फ्रीडम, दैट्स फ्रीडम फॉर मी। दैट्स सो ब्यूटीफुल, कि एम्पावरमेंट इज फ्रीडम। जी, एम्पावरमेंट इज, दैट इज आई थिंक वेरी प्रिसाइज एंड यू नो वेरी रेलेवेंट आंसर। तो अच्छा, अगर आपकी लाइफ में आपको क्या लगता है इंडिपेंडेंस मूवमेंट या एम्पावरमेंट वाला मूवमेंट कब आया?
अभी तक जितना भी जो आप माशाल्लाह वेरी मल्टी टैलेंटेड, हर जगह पे आपने इतनी खूबसूरती से, इवन कि आप माशाल्लाह आपकी मैरिड लाइफ है, नोबडी कैन जज, कि इतनी खुद को कैसे लाइक इतना अच्छा मैनेज करते हैं, उस पर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी आप मुझे बताएं कि एम्पावरमेंट या इंडिपेंडेंस मूवमेंट या फ्रीडम वाला मूवमेंट जो सा था वो कौन सा था आपकी लाइफ? आई थिंक एवरी डे व्हेन आई वेक अप आई कांट जस्ट से कि ये वो टाइम था. मुझे लगता है कि जो मेरी सोच है वो मुझे हर एक्सपीरियंस जो है ना इन लाइफ, इट मेक्स मी फील एम्पावर्ड. सो देर इज़ नो वन डे. वो मैं कहते हैं ना कि आपकी एक सोच होती है, द वे यू थिंक. तो मुझे ऐसे लगता है कि एवरी डे एवरी एक्सपीरियंस एम्पावर्स मी फर्दर एंड मेक्स मी फील एम्पावर्ड. दैट्स गुड कि हर दिन को एक मूवमेंट ऑफ एम्पावरमेंट समझना चाहिए. हाँ. जब आपको यानी अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ करने की, नए दिन जीने की, दिस इज ऑल अबाउट द वे यू थिंक एंड टेक लाइफ. और यही मेरा मैसेज खवातीन के लिए भी है कि वो जो एम्पावरमेंट आप लोगों में ढूंढ रहे, इट्स फ्रॉम विदिन. आपकी सोच जो है वो आपको एम्पावर करती है. जी बिल्कुल. और जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे कैसे सोसाइटी को हम हर चीज़ को देखने का नज़रिया है. और मेरे ख्याल से जो ख़वातीन है या जो भी है, यूथ है, उसको अपने अंदर देखना है उस एम्पावरमेंट के लिए. इसलिए तो हमने इंट्रोस्पेक्शन की बात की. अच्छा, और मुझे ये बताएं कि एजुकेशनिस्ट से पॉलिटिशियन और बहुत सारे लोग, मैं क्योंकि मैं खुद भी पंजाब की पहली लेक्चरर हूँ. अच्छा, माशाल्लाह. जी, और माशाल्लाह मैं UMT में पढ़ाती भी हूँ एज अ लेक्चरर. माशाल्लाह. तो मैं आपके आंसर से अपना भी एक्सपीरियंस रिलेट करूँगी सुनने के बाद. मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन थी फ्रॉम एजुकेशनिस्ट टू अ पॉलिटिशियन, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जब मैं पूछती हूँ आप क्या बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेस, बट नोबडी सेज कि मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ. तो आपको क्या लगता है, ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ये बाय लक थी या अपॉर्चुनिटी मिली या आपकी फैमिली की तरफ से, बाय विल या बाय कंपल्शन? आपने जो बात की ना, दैट वॉज द रियल मोटिवेशन, दैट नोबडी वॉन्ट्स टू बिकम अ पॉलिटिशियन. सो आई वॉन्टेड टू एंटर पॉलिटिक्स. और हम जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं, आपको अंडरस्टैंड करना है कि हम लेजिस्लेटर्स पहले हैं एंड देन पॉलिटिशियंस. हमारा काम लेजिस्लेशन का है, पॉलिसी मेकिंग का है. सो व्हेन आई वाज टीचिंग एट लम्स, मुझे यही लगा कि इतना यूथ है 60%+ और उसकी कोई से ही नहीं है पॉलिसी मेकिंग में, क्योंकि वो एक हार्श इमेज पॉलिटिक्स का है. उन्हें बच्चा समझते हैं इनकी क्या है? नहीं, उसके अलावा ये कि उनका खुद भी इंटरेस्ट नहीं था. सो दैट इज़ वाई आई वॉन्टेड टू एंटर पॉलिटिक्स, बिकम पार्ट ऑफ द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस एंड एट द सेम टाइम मोटिवेट द यूथ. एग्जैक्टली. ये एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल फील्ड है जिसको आप लेट गो करें, जिसकी वजह से आपकी कंट्रीब्यूशन इन दिस नेशन जो है ना मिसिंग है. और यूथ ही तो नेक्स्ट जो लीडर्स हैं. बिल्कुल. आई थिंक ये वाला ठीक है. इसका मतलब है आपको ये जो कम्युनिकेशन गैप था यूथ के दरमियान और पॉलिटिक्स के दरमियान, ये ख़त्म करने वाला जो एजेंडा था, इसने मोटिवेट किया. हाँ, दैट्स ब्यूटीफुल. आई थिंक बहुत कम लोगों का ये मानना होगा, लेकिन आपको देख के आपकी फैमिली में कोई जो यंग है उनका दिल करता है कि हम भी पॉलिटिशियन बने? बिल्कुल. यू सी, मुझे भी आज 9 साल पहले जब मैंने सियासत ज्वाइन की तो आई वॉज अ बिट हेजिटेंट एज वेल. लेकिन इतना कुछ वहाँ करने को था. ये जो आप करंट अफेयर्स पे टीवी पे सियासत देखते हैं, ये तो 5% होना चाहिए, जो कि इतना ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया. Exactly. और वाकई जब मैं काम करती हूँ एनजीओस के साथ और मैं यूथ के लिए काम करती हूँ, मैं उनके साथ स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में जाती हूँ, सो लॉट ऑफ पीपल गेट इंस्पायर्ड बाई द फैक्ट दैट हम तो कभी सोच भी नहीं सकते सियासत में इतना पढ़ा लिखा काम भी हो सकता है. एग्जैक्टली. इसी से मुझे एक और क्वेश्चन याद आया, वो भी आपके जर्नी से रिलेटेड है, लेकिन मैं बिल्कुल ये ठीक सुनना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम बींग एजुकेशनिस्ट लेक्चरर, और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आपके पास वो कौन सा टाइम आया आपके सामने एज अ पॉलिटिशियन, जब आपको लगा यार ये तो इट्स वेरी डिफिकल्ट या बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम था? कुछ दो ऐसे मोमेंट यू कैन टेक. अच्छा, सबसे पहले द फर्स्ट डे आई स्टार्टेड टीचिंग एट लम्स. और जाहिर बात है आज उस बात को भी 12 साल तो हो गए होंगे. अच्छा. तो वो यू नो हाउ स्टूडेंट्स आ, वो एक यंग टीचर को वो फिर क्वेश्चन करते हैं डिफरेंट तरीकों से. और जाहिर बात है आपके अंदर भी थोड़ा सा आप भी डरे होते हो फर्स्ट डे. आई कैन टोटली रिलेट. तो वो आई थिंक द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल लम्स वॉज, मुझे रात को नींद नहीं आई थी. आई एम गोना बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई वाज सो स्केयर्ड कि ये बच्चे मुझे, क्योंकि मेरे जितने ही तो वो लग रहे थे. तो बस वो पहला दिन जो था ना वो बहुत
ذہن میں تھا کہ بہت مشکل ہوئے گا. اسی طرح جب پہلی دفعہ پنجاب اسمبلی لمب سے گئی اسی طرح فرسٹ ڈے پہ وہ obviously I was scared and thinking کہ سیاست دان کا جو ایک امیج ہے ایک وہ میں نے کہا اب ان میں جا کے بیٹھنا اور کس طرح مینیج کروں گی, کیونکہ وہ جو خواتین میں ٹی وی پہ دیکھتی تھی لڑتی جھگڑتی تو وہ بھی خوف بہت تھا. ہاں اس بارے میں بھی بات کریں گے. اور آپ مطلب ماشاء اللہ آپ کی میرڈ لائف ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. بس جی ماشاء اللہ اٹس بین. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ میں سیاست اور شادی میری اکٹھی ہوئی. یہ تو کسی کا یہ ایون کہ ہمیں کانٹینٹ ڈیزائن کرتے ہوئے بھی نہیں پتا چلا. سو آئی نو 9 years back آئی گاٹ انگیجڈ اینڈ آئی انٹرڈ پالیٹکس اور اسی سال میری شادی اسی سال میرا, تو وہ میرے لیے دونوں وہ جو تھے نا, لیکن اللہ کا شکر آئی واز لکی because I ended up with a husband who's very supportive. اس لیے ورک لائف آپ کی بیلنس آئی تھنک ہو رہی ہے, کیونکہ یہی میرا نیکسٹ کوسچن تھا. ایز اے پولیٹیشین, ایز اے مدر, ایز اے وائف, اور بچے آپ کے کتنے؟ I have one son. چار سال کا میرا بیٹا ہے کبلائے. اور کیونکہ ہم انسٹاگرام اسٹوریز اور فیس بک پہ دیکھتے رہتے ہیں دا وے یو آر ڈوئنگ اپ برنگنگ اینڈ یو نو مینیجنگ یور ٹائم گیونگ اسپیسز ٹو دا چائلڈ, یو نو دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. بالکل, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ ہم خواتین جو ہیں ہمارا فرسٹ اینڈ فارموسٹ رول جو ہے وی آر دا فاؤنڈیشن آف اے ہاؤس ہولڈ, اور یہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی میری یہ ہے کہ یہ بھی فیوچر آف دا نیشن ہے جس کو میں ریز کر رہی ہوں. اس کو نگلیکٹ کر کے میں باہر کیسے جسٹیفائی کر سکتی ہوں؟ وہی بات کہ سب سے سیلف جو ہے نا, آپ سب سے پہلے اپنے گھر میں, سب سے آپ نے اپنے گھر کو آپ کی سب سے فرسٹ اینڈ فرسٹ پرائیورٹی جو ہے, فارموسٹ پرائیورٹی آپ کی اولاد ہونی چاہیے. تو ناظرین آپ سیکھ لیں, اور اگر یہ مینیج کر سکتی ہیں بچوں کو اور اتنی اسٹرانگ پوزیشن کو اور ایز این ایجوکیشنسٹ بھی ان کا اتنا اچھا جرنی رہا ہے, تو آئی تھنک اس سے اچھی کیا اگزامپل ہوگی. تو تھینک یو سو مچ. یہاں ختم ہوتا ہے ہمارا سیگمنٹ میری کہانی میری زبانی. آئیے چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بریک دا اسٹیریوٹائپ. بشرا جی, جتنے بھی گیسٹ یہاں آتے ہیں ان کے اتنے ڈفرینٹ ٹائپ کے اسٹیریو ٹائپس ہیں جو کہ وہ بریک کرنا چاہتے ہیں. ہر کسی کی اپنی پرائیورٹیز ہیں, ہر کسی کے اپنے ایجنڈاز ہیں. اگر ایک آرٹسٹ ہے تو اس کا ڈفرینٹ سوچ ہے, ایک پولیٹیشین ہے. تو میں آپ سے آپ کے بارے میں جب ہماری ٹیم بیٹھ کے کانٹینٹ ہم سوچ رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ آپ سے دو آپشن پوچھی جائیں گی کہ آپ کوئی ایسا اسٹیریو ٹائپ بریک کریں جو ایک فیمیل پولیٹیشین کے ساتھ جڑا ہوا ہے, یا تو ایسا جو کیونکہ آپ پی ایم ایل این کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, ماشاء اللہ سے ایم پی ہیں, پنجاب اسمبلی کے ممبر ہیں, تو یا تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسپیسیفک پارٹی کے ساتھ جڑا ہے. تو اٹس یو نو بال از ان یور کورٹ, وٹ ایور یو وانٹ ٹو بریک. میں اپنے آپ کو لمٹ نہیں کرنا چاہوں گی وتھ پی ایم ایل این. میں جنرلی اسٹیریو ٹائپ جو ہے خواتین کے حوالے سے, ریزرو سیٹس کے حوالے سے, آئی ووڈ لائک ٹو بریک دیٹ. ڈو یو وانٹ می ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن؟ یس, یو کین رائٹ کہ کیا چیز ہمیں ختم کرنی ہے, اور پھر وی ول شو ٹو دا آڈینس اینڈ دین وی کین بریک. شوڈ آئی رائٹ دیٹ نیگیٹو؟ ہاں نیگیٹو چیز, اس کو ہم بریک کریں گے نا, جیسے ڈسکریمنیشن ہے, سٹیگما اٹیچ ود دی ریزرو سیٹس. ہاں, اور پھر آپ نے تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر دینا ہے تاکہ لوگوں کو کلیئر ہو جائے آپ کا میسج. یہ دیکھیں فرینڈس, اب آج ہم ایک ڈفرینٹ ٹائپ کا اسٹیریو ٹائپ بریک کرنے لگے ہیں انڈیپینڈنس ڈے پر. آپ اپنی ان سوچ کو بھی اس چیز سے آزاد کریں گے. سو ڈو یو وانٹ ٹو ٹیل, ایلیبوریٹ؟ یس, فرسٹ آف آل یو کین شو اٹ کہ آپ نے کیا لکھا ہے. So I've written stigma attached with reserve seats. So agar aap stereotype ki baat karti hain, what I would like to break is stigma attached with reserve seats. Now reserve seats jo hoti hain ye makhsoos nishastein hoti hain jo ke har party ko di jati hain, aur ye khawateen ke liye hoti hain, minorities ke liye hoti hain. اور مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ ان سیٹوں کو ہمیشہ سے وہ کہتے ہیں کہ نان سیریس سیٹ سمجھا جاتا ہے, ان کو سمجھا جاتا ہے یہ گفٹ کی گئی ہیں, یہ اپنے خاندان والوں کو دی گئی ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ان کا صحیح استعمال کیا جائے تو ٹیکنوکریٹس جیسے کہ ہم لوگ ہیں, ڈفرینٹ فیلڈ سے ہیں, ہمارا سیاسی پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں ہے, لیکن ہمارے لیے سیاست میں آنے کے لیے ان سیٹوں کا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک عام
पर्सन है जिसका इतना स्ट्रांग रेफरेंस नहीं है, या क्या उनको भी वो अवेयर? जनक बिल्कुल बिल्कुल, हमारे अगर आप नून लीग का ही देखें और पीटीआई का भी देखें, वी हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर पार्टी वर्कर्स एज वेल. हमारे पास वो भी खवातीन हैं जो सिर्फ अंगूठा लगा सकती हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंट करी कोई हल्का उन्होंने पार्टी के साथ जी, तो वो जब और उन्हीं पे फिर तनकीद भी होती है कि ये देखें इनको ले आए, लेकिन जन्नत उनकी कंट्रीब्यूशन जो है 101% नीडेड है, क्योंकि उनको ग्राउंड रियलिटीज का पता है. उनकी वजह से जब हम लेजिस्लेशन करते हैं डायनामिक्स सारे सामने बिल्कुल बिल्कुल चैलेंज. अब बुशरा बट जो है वो शायद थ्योरी तो दे सकती है, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी वो अंगूठा छाप दे सकती है. दिस इज सो ब्रेव ऑफ यू बिकॉज यू आर यू नो पोर्ट्रेइंग अ वेरी पॉजिटिव मैसेज जो कि बहुत सारे लोग नहीं अंडरस्टैंड करते. जिस तरह ट्रांसजेंडर की बात की जाए तो हर कोई इतना एम्पावर्ड नहीं है. तो यू नो जब मैंने काम करना था मैंने ग्रास रूट लेवल के साथ एक कनेक्शन बिल्ड किया, उनकी सुनी और उनकी आवाज़ ही आगे लेके जाती. बिल्कुल बिल्कुल. तो आई रियली अप्रिशिएट. और मैं यही बात जन्नत हर किसी को कहती हूँ, चाहे वो खवातीन हों, चाहे ट्रांसजेंडर्स हों, चाहे इवन द मेल काउंटर पार्ट्स, कि बहुत कम लोगों को ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी मिलती है टू बी इन एम्पावर्ड पोजीशंस, और ये उनका फ़र्ज़ है कि वो बाकियों को अपलिफ्ट करें. देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग एंड अपलिफ्टिंग योर कम्युनिटी एज़ वेल. थैंक यू सो मच, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू. और मुझे इतना अच्छा लगा कि आज हम एक 14th अगस्त को नाज़रीन एक और स्टीरियोटाइप ब्रेक कर रहे हैं जो कि एक कम्युनिकेशन गैप था. आप देखें हमारे सामने माशाल्लाह हमारी हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं और एक वेल नोन पर्सनालिटी है वो बैठी हैं और इंक्लूजन का मैसेज दे रहे हैं, इंक्लूजन और डाइवर्सिटी को एंडोर्स कर रहे हैं. आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर अस एंड फॉर द सोसाइटी. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच, एक इतना खूबसूरत मैसेज. अब आप इसको ब्रेक भी कर दें ताकि हमें पता चले कि हमने ये चीज़ ख़त्म करनी है इस साल. बिल्कुल. I will break it. You will break it, and inshallah we hope this needs to end in the society. Inshallah. Like full time. और इसके साथ खत्म होता है हमारा सेगमेंट ब्रेक द स्टीरियोटाइप. आइए चलते हैं जरा फन सेगमेंट की तरफ. बुशरा जी फन टाइम भी होना चाहिए, बड़ी सीरियस बातें हम कर रहे हैं. आपको लगता है ना थोड़ा सा सेलिब्रेशन का दिन है. बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट, है ना. तो फन टाइम के लिए डिफरेंट फन सेगमेंट्स हैं. ये बॉक्स पड़ा हुआ है, इसमें से आपको कोई सा एक फन एक्टिविटी पिक करनी है और फिर बताना है कि आपकी क्या फन एक्टिविटी है. मेरी पहचान पाकिस्तान. मेरी पहचान पाकिस्तान, और आज है भी इंडिपेंडेंस डे. तो आपका सेगमेंट निकला है फन टाइम मेरी पहचान पाकिस्तान. इट्स अ रैपिड फायर. और आप तो एजुकेशनिस्ट भी हैं, लोगों को पढ़ाती भी हैं, तो कभी कभी हमारे से भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है. तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है. नहीं नहीं, मैं पाकिस्तान के बारे में आज सवाल पूछे. आपने बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट पास कर दी. शायद मैं उस जनरल नॉलेज के बारे में ना घबराऊं, लेकिन घबराना नहीं है. घबराना नहीं है आपने. अच्छा ठीक है. और ये तो नाज़रीन एक सिग्नेचर लाइन है, आपको पता है, और सबसे ज़्यादा घबरा भी जाते हैं ना. आज सबसे पहले ये बताएं कि पाकिस्तान इतनी पॉपुलेशन भर रही है, तो अभी करंट पॉपुलेशन कितने हैं पाकिस्तान? आई थिंक इट्स 24+ इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, इट्स 24.2 मिलियन, 24 करोड़ से भी ज़्यादा. 24 करोड़. ओह माय गॉड. पाकिस्तान में क्या सिर्फ यही काम रह गया है? मेरा तो यही सही डेडिकेशन से ये काम ख्याल है कि यही रह गया है, क्योंकि हमारी आधे से ज़्यादा काम तो बच्चे काम अपनी वर्कफोर्स तैयार कर रही होती है. ओह माय गॉड. तो दैट इज़ वन मोर रीज़न. बेचारे और वर्कफोर्स कैसे तैयार होगी जब उनको ठीक से हम एजुकेट नहीं कर सकेंगे? नहीं, हमारी वर्कफोर्स नहीं ना. तो अगर आप घर के ये जो घर के हाँ घर की वर्कफोर्स तैयार हो रही है कि 12-12 बच्चे पैदा करके उनके लोगों के घरों में काम करवा के, सो दिस इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट इट क्रिएट्स. और फर्स्ट फीमेल लीडर कौन सी हैं? फातिमा अली जिन्ना. जी बिल्कुल, वाह, अभी तक तो ठीक जा रही हैं. अच्छा मुझे ये बताएं पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर कौन सा है? जैस्मिन. मेरा फेवरेट. आपका फेवरेट भी है, ज़बरदस्त. और नेशनल एनिमल कौन सा है? मार्कोर. बहुत सारे लोग चीता समझते हैं. हाँ, क्योंकि वो वही आपके जहन में आता है ना कि इट्स वो जो हिली एरियाज. हाँ, और ये तो उसकी वजह से वो आपको जंगल कैट्स के साथ. आप ठीक है. आप मुझे ये बताएं नेशनल एंथम किसने लिखा था पाकिस्तान? हफीज जलंधरी. बिल्कुल. ये सोच के क्या इस पर थोड़ा सा लगता है डाउट था आपको? नाज़रीन अभी तक तो ठीक जा रही हैं.
इसमें गिफ्ट हैम्पर भी है आपके सामने, आपको नजर आ रहा है। अभी तक ले गए। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने उसका तो बता दिया, नेशनल बर्ड कौन सा है? नेशनल बर्ड ये थोड़ा सा मुश्किल है, चलिए ये मैं बता देती हूं। चलिए बता दें, नेशनल बर्ड है चकोर। चकोर, ये देखो यही चीजें बातें ना बचपन में इतनी वो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ी हुई है कि जब आप वो खासतौर पे सियासत में आके ना तो आपको हर वक्त सियासी बयान। टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता था, मैं भी समझ रही थी कोई मोर। तो वही बात है ना, अच्छी बात है, एवरी डे शुड बी लर्निंग एक्सपीरियंस। बिल्कुल। और आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो किसने, नेशनल फ्लैग किसने डिजाइन किया था? ये मुझे नहीं पता। अमीरुद्दीन। But I love the concept behind it. Yes. ये एक next question है। अच्छा। नाज़रीन ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे हमारे रास्ते खुद से बन रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि जब ये फ्लैग डिजाइन हुआ तो इसमें जो ग्रीन कलर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है और वाइट? जो वाइट था वो माइनॉरिटीज की रिप्रेजेंटेशन के लिए खास तौर पे बनाया गया था। जबरदस्त। और ये हमारा फ्लैग ही हमारा बहुत बड़ा मैसेज है, और वही जो हम जिधर से हम शुरू हुए थे शो में कि ये हमें अंदर अपने अंदर सोचना है, सेल्फ असेसमेंट, कि हमें सेल्फ असेसमेंट करनी है कि ये एक वाइट फ्लैग में जो रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए जगह बनानी है। वाह। And it is just 2.5% of the whole population, जो minorities हैं। और फिर भी। और उनके लिए हम जगह नहीं बना पा रहे। तो मेरा ख्याल है ये जो flag है, it is a beautiful message in itself। बहुत अच्छी बात। और मुझे ये बताएं कि national sports कौन सा है? Hockey। शुक्र है आपने क्रिकेट नहीं खेल दी, क्योंकि यार गली में क्रिकेट खेल अभी वो रिसेंटली वो एस्ट्रोटर्फ जो हमारी उतरी है उसके ऊपर से तो हमारे दिलों पे लिखी हुई है। वैसे आपका कौन सा फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है? मेरा फेवरेट, देयर इज नो वन पर्टिकुलर, बट यस ऑब्वियसली क्रिकेट के साथ वो हाइप भी है, सब कुछ है, तो जबरदस्त। ठीक है। और मैंने आपकी वीडियो भी देखी है क्रिकेट खेलते हुए अपने सन के साथ। हाँ, वो तो आपको पता है ना। तो नाज़रीन इन्होंने तो विन कर लिया हमारा सेगमेंट फन टाइम। ये गिफ्ट हैम्पर है, बड़ा खूबसूरत मेकअप एलिशियस की तरफ से आपके लिए, ये आपके साथ जाएगा। यहाँ पे खत्म होता है फन टाइम, आइए चलते हैं अब कुछ गॉसिप्स करने इन चास के टाइम। स्टार्ट चास के टाइम। चास्की टाइम में बहुत ज़्यादा गॉसिप्स होने वाले हैं, और मैं चाहती हूँ कि आपने पॉलिटिकल पर्सनैलिटी तो आंसर पॉलिटिकल नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आंसर बिल्कुल सही होने चाहिए। सही। ठीक है, तो चलें चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, जैसे आप माशाल्लाह इतनी आपकी पर्सनैलिटी इतनी डिवेलप्ड है और अच्छे से आप मैनेज करती हैं, हम सोच रहे हैं अभी आप मैरिड वुमन नहीं लगती स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स आते होंगे, उस बारे में थोड़ा सा बताएं, किसी लड़के को मार भी पिटी है कि नहीं? मार तक तो नहीं। बस वो थोड़ा सा ये था कि एट अ वेरी यंग एज जब वो पढ़ाना शुरू किया तो BNU LUMS LSC सारा BNU में भी पढ़ाया, LSC में भी पढ़ाया, तो वो वहाँ के हमेशा वो इंटरव्यू हो जाता था जब जॉब मिल जाती थी, दे ऑलवेज से कि आप लेकिन लड़के मैनेज कर लेंगी। वो बस अल्लाह की तरफ से एक घूरी थी मेरे पास, जो बड़े बड़ों की जो तीन हवाइयाँ सीटी निकाल वहीं पे निकाल देती थी। ओके, यानी आपसे अभी बच्चे में या लोग जिस कभी मार कुटाई तक की बात, लेकिन स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो तो लोग बड़े कुछ स्टबर्न फैन भी होते हैं ना, वो ट्रबलिंग क्रिएट करने वाले हैं ना, ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, लेकिन ये है कि बस फिर अल्लाह बचा लेता है। गुड गुड। अच्छा, आपके फेवरेट हीरो कौन से? फिल्म्स भी देखते हैं फ्री टाइम में कभी कभी या नेटफ्लिक्स? नेटफ्लिक्स अब फिल्में भी देखती हूँ, नेटफ्लिक्स भी, अब तो शुक्र है सिनेमाज भी खुल गए। देर इज़ नो वन पर्टिकुलर, लेकिन ये है कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, तो मैं एक एक स्पेसिफिक बंदे को नहीं, जन्नत मेरे साथ बड़ा प्रॉब्लम है, मैं किसी एक बंदे को आइडियलाइज नहीं करती, मैं ट्रेट्स को, यही तो मैं सोच रही हूँ कि तब से बहुत ज्यादा ट्रेट्स को आइडियलाइज करती हूँ। लेकिन एक देखना, जिस तरह मैं अगर बताऊँ मेरा फेवरेट हीरो है तो ये जिस तरह शान में कह देती हूँ बड़ा अच्छा, मेरे अगर इसी तरह करना तो फिर मेरा हस्बैंड। गुड, दैट्स सो ब्यूटीफुल आंसर। तो आपके तो असल रियल हीरो वही है, ठीक है ना। अच्छा मुझे बताएं, अभी परवेज सीएम जो उनसे बने हैं, परवेज इलाही साहब, उसके बारे में क्या व्यूज़ हैं?
सही बताना है जो नहीं सही बताऊं. व्हाइल ग्रोइंग अप मुझे लगता था कि ही वाज अ वेरी सीजनड पॉलिटिशियन. मुझे हमेशा से लगता था कि बहुत रख रखाव और उनके अंदर बहुत मैच्योरिटी है पॉलिटिक्स को लेकर. लेकिन जन्नत सैडली अभी जो पिछले कुछ महीनों में पंजाब असेंबली में यरगमाल बनाया पंजाब असेंबली को, मुझे लगा कि जैसे परवेज इलाही साहब ने अपनी सियासत का आखिर जो है ना वो बहुत बुरी तरह ही इज टार्निश्ड हिज इमेज. बड़ा ऑनेस्ट आपने आंसर इससे दिया. ओहो अच्छा अब ये बताएं कि सबसे इतने जलसे होते हैं जब आप पॉलिटिशियन बनते हैं, आप थोड़ा थोड़ा की जगहों पे जाना पड़ता है डाइवर्स लोगों से, तो आपका यादगार जलसा कौन सा है लाइफ का भी? जब मुझे कोरोना हो गया डेल्टा वेरिएंट. मेरा ख्याल है कि वो यादगार तो इस तरह से आप कह सकते हैं क्योंकि धचका लगा और उस वो जो कोरोना की वायरस मुझे हुई, क्योंकि यहाँ से नई वेरिएंट आती थी और यहाँ से जलसे जुलूस और सारे, और मुझे लगता है वो मरियम बीबी का था मीनार पाकिस्तान में, और हम उसी तरह मेहनत और कारकुनों के साथ. और आपको पता है ना जो कारकुन होता है ना वो जब आपके पास आता सेल्फ, अब ऑटोग्राफ कोई नहीं लेता, अब सब सेल्फी खिंचवाते हैं और सेल्फी के लिए आपको मास्क उतारना पड़ता है और वो इतने करीब आते हैं और आप अगर ना करो तो वो माइंड करते हैं और वो ट्विटर पे जाके जन्नत लिखते हैं कि हम आए थे हम आपको आपके पास और आपने हमें नहीं उस तरह किया, हम कारकुन हैं. तो आपको हर किसी का दिल भी रखना पड़ता है. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना 90% आप अच्छी चीजें कर रहे हैं, 99 और 1% अगर ऐसा हो गया वो ज्यादा हाईलाइट हो जाए. लेकिन वो हाईलाइट भी होते हैं. लेकिन जन्नत मुझे खुद भी ऐसे लगता है कि ये हमारे कारकुन है और ये हमारे लिए बेलॉस मोहब्बत है इनकी और ये पार्टी के लिए जिस तरह पहुंचते हैं बगैर. तो कुछ लीडर्स ऐसे को फैंस को कौन भी मार नहीं. मैं तो हमेशा अगर मुझसे कोई गिला करे तो मैं माजरत भी करती हूँ क्योंकि अब की सियासत जो है ना अब ये है तो हम हैं, ये हमारा वोट बैंक है और इनके बगैर अब हम ये एक बुरी चीज है जो ये खत्म करना चाहती हैं. तो इसके अलावा कोई ऐसी 5 पॉलिटिशियंस हमें बता दें जिनको अगर आपको कार्ड दे के पाकिस्तान से बाहर भेजना हो तो कौन से 5 पॉलिटिशियंस? 5 पॉलिटिशियन नहीं, 5 पार्टी ये सियासी कारकुन भी, जिस तरह शहबाज गिल ठीक है, फयाजुल चौहान को तो मैं बिल्कुल उसी तरह, फवाद चौधरी उनको स्टैंप लगा के आप फौरन वापस भेजना चाहेंगे? आई वांट टू सेंड देम बैक. देन देयर इज कौन से मुल्क भेजना चाहेंगे? लाइक अनदर प्लेनेट वेयर देयर इज नो वे कमिंग बैक. फिर उसके अलावा फीमेल में से किसी को नहीं भेजना? फेदोस आशिक अवान वो बेचारी तो आजकल पहले से सीन से आउट वो अब हो गई हैं तो मैं उनको मजीद उनको आजकल जो सी हैं जिनको भेजना चाहेंगे आजकल जिनको यार लगता है यार बड़ी इरिटेटिंग क्या मैं करूं फिर यहाँ नजर आ गई इरिटेटिंग ज्यादा मुझे लगता है कि जो सियासत को मजीद गंदा करते हैं और उसका एक हार्श इमेज और उसका एक तमाशा तमस्कर बनाते हैं ये चीज मुझे तकलीफ होती है जन्नत. तो इस वजह से मुझे होता है कि ये मेरे मकसद जो है ना मेरा जो सियासत का सॉफ्टवेयर इमेज वो खराब हो रहा है वो मेरी मेहनत के अंदर वो तो लास्ट ऑप्शन रह गया लास्ट खवातीन में मेरा नहीं क्या I can't think of anyone else. अच्छा, These are और few कोई people. मेल बताते हैं फिर. फिर कोई और मेल बता दूं. पांच तो पूरे करने हैं ना, क्वेश्चन भी तो पूरा करना है. चल एक मैं ऐसे अब एक और किसको भेजूं? अभी तो जेन में अभी तो मेरे दिल कर रहा है कि मैं मोना सिलाई को भेज दूं. अच्छा मजे का आंसर. अच्छा आप मुझे ये बताएं कि फिर नकचीरी भी तो होती है ना कुछ कुछ, मैंने देखा है अक्सर मीटिंग्स में कुछ पॉलिटिशियन जो होती हैं ना फीमेल बहुत ही अच्छी होती हैं और कुछ बहुत नकचीरी सी भी होती हैं. वो फिर मेरे ख्याल से उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज होती हैं. हाँ, वो आपको कौन लगती हैं? कोई एक नकचिड़ी थोड़ी सी क्या लगता है कि हाँ वो ये नहीं कि वो बुरी हैं बस एक वो एक ये भी एक एरोगेंट. हाँ जो आप मैं उनके नाम बताऊं? एक किसी का बताएं. मेरे साथ तो किसी की हिम्मत नहीं है लेकिन ये है कि वैसे जनरली लोग कभी कभार कंप्लेन करते हैं कि एक पोजीशन ऑफ पावर में आके एरोगेंस आ जाती है. तो वो एक जनरल ट्रेट है. मैं किसी एक बंदे को नहीं कह सकती. मेल भी नहीं लगता कोई नकचिड़ा सा.
जनत मेरे साथ तो कोई नहीं आपके साथ नहीं कर सकता। आप एक लोग करते हैं और ये मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना, अल्लाह कहता है कि मैं दे के भी आजमाता हूँ और ले के भी आजमाता हूँ। तो मेरे लिए ये आजमाइश है, अगर किसी में कुछ एरोगेंस आ गई आफ्टर सर्टेन अचीवमेंट तो वो उसकी आजमाइश है। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आप पॉलिटिशियन भी ना होती और लेक्चरर भी ना होती तो फिर तीसरी आप क्या होती? Probably a host. I think I enjoy camera screen time. Wow. Yes. I hope you are enjoying as well. I'm loving it. Thank you. अच्छा अब मुझे ये बताएं कि आपकी favorite place दुनिया में कौन कौन सी है? कोई एक दो जगह बताएं। एक पाकिस्तान में और एक बाहर। पाकिस्तान, I love our northern areas. Northern areas. I love northern areas. Do you know one specific? जो मैं सबसे ज्यादा, मेरा एक घर है अयूबिया में। हाँ, I have a house in अयूबिया और मैं हर opportunity, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड, we find every opportunity to go and just relax there, unwind, family time, माशाल्लाह। हाँ, और बाहर? बाहर I love traveling. अभी कहाँ की वेश है, अगर चांस मिले, छुट्टियाँ मिल जाएं और आपको चाहे कि अभी आपको वीजा मिले? जस्ट हाय, मैंने अपने बेटे को प्रॉमिस किया था आइलैंड। आइलैंड? थाईलैंड। मैंने उसको प्रॉमिस किया है, तो थाईलैंड इज नाइस। इट्स क्लोज बाय एज वेल, और बच्चों के साथ ट्रैवल करने में आपको आसानी होती है। यस, तो यस। मुझे लगा आप डिज्नीलैंड ले जाएंगे। नहीं, अभी उसका आइलैंड ही, वो ही लाइक्स वाटर, ही इज अ वाटर बॉडी। ओके, तो उसकी वजह से आइलैंड ले जाएं, पताया एंड ऑल। ओके, नाइस। नाजिन, बड़ा मज़ा आया गपशप करते हुए और पता ही नहीं चला टाइम का। और अब चलते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ, इसमें बड़ा बड़ा सरप्राइज़ है आपके लिए और हम सबके साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ और दिल की बात भी सुनेंगे। स्टे, क्लैपिंग तो कर दो। बहुत बहुत मुबारक, जश्न आज़ादी मुबारक, जश्न आज़ादी मुबारक सारे नेशन को। दिल की बात में मैं चाहती हूँ कि आप जो कि स्पॉन्सर किया दफ्तर खान ने ये स्पेशली सेगमेंट, कौन सा आज के दिन स्पेशल मैसेज है जो आप हमारे नाजरीन और हाजरीन को देना चाहेंगे? मैं वैसे लेडीज़ एंड जेंटलमैन नहीं कहती, मैं कहती हूँ हेलो एवरीवन सब। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी हियर। मुझे बहुत मज़ा आया, द शो इज़ वेरी कैंडिड और मेरा ख्याल है कि आपके साथ कॉफ़ी पी के बहुत मज़ा आया। मुझे सो प्राउड ऑफ यू जन्नत, एंड आई विश यू सक्सेस इन द फ्यूचर एज वेल। और जैसे कि आपने बात की दिल की बात, तो एक सियासतदान और एक वो सियासतदान जिसने सियासत में सिर्फ आया टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप, टू ब्रेक द इमेज, द हार्श इमेज ऑफ सियासत। और आज को अगर मैं देखूँ सोशल मीडिया के दौर पर और अपने यूथ को देखूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, आई एम हर्ट बिकॉज इतनी हेट स्पीच हमारी हर मीडियम में फिल्टर हो रही है, आ रही है। तो मुझे ऐसे लगता है कि एक बात मैं अपने यूथ को कहना चाहती हूँ कि पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू डिड बट पीपल विल नेवर फॉरगेट व्हाट यू सेड एंड हाउ यू मेड देम फील। तो आपकी जो बात है, आप लोगों का अंदाज बात करने का, कॉमेंट करने का, वो लोगों को किस बुरी तरह हर्ट करता है। तो आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बी टॉलरेंट, बी काइंड एंड बी नाइस टू अदर्स। यस, इससे खूबसूरत क्या मैसेज हो सकता है? जो कहते हैं लफ्ज़ों के घाव होते हैं और जख्म होते हैं उसको भरते हुए कितने साल, कितने साल लग जाते हैं। आई थिंक ये बहुत कम टॉलरेंस लेवल जो उनसे बहुत कम हो रहा है हमारी सोसाइटी में। तो आज के दिन इससे खूबसूरत पैगाम नहीं हो सकता कि हमने खुद में पेशेंस, टॉलरेंस और पॉजिटिव एनर्जी लेके चलना। बिल्कुल बिल्कुल। और थैंक यू सो मच, और स्पेशल गिफ्ट हैम्पर दफ्तर खान की तरफ से भी, और वो जो केक स्वीट मैग्नोलिया ने दिया बहुत डिलीशियस था। आई थिंक आपको अच्छा लगा। थैंक यू दफ्तर खान एंड थैंक यू स्वीट मैग्नोलिया फॉर डिलीशियस केक एंड दफ्तर खान द स्पेस फॉर हैविंग अस हियर एंड थैंक यू सो मच। वेलकम, बहुत मज़ा आया नाज़रीन। और इसके साथ हम अब इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीक नए गेस्ट के साथ। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।